इस मोटर को कैसे हम ड्राइव करेंगे इस ड्राइवर के थ्रू। ओके, तो ये इस ट्यूटोरियल में हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर ट्यूटोरियल। सो हमारे पास मोटर है, स्टेपर मोटर नेमा 17, लेमिनेटरी गियर बॉक्स मोटर है ये, 60 केजी सेंटीमीटर का टॉर्क है, और ये इसके लिए ड्राइवर है राइनो का RMCS 1102, एंड ये हमारे पास 24 वोल्ट पावर सप्लाई है। साथ में हमें इसको ड्राइव करने के लिए, पल्सेस देने के लिए, डिलीवर करने के लिए हमारे पास एक कंट्रोलर होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर ऑडियो मेगा यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और ये ब्रेडबोर्ड रहा, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और अब इसको हम प्रिपेयर करते हैं, सर्किट प्रिपेयर करते हैं और फिर इसको चला के देखते हैं। तो सर्किट प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले मोटर कनेक्ट करनी है। तो मोटर की मैंने इसमें क्या है कि दो पोल होते हैं, तो दोनों पोल्स के लिए हमें वायर आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, कौन सी वायर सेम पोल से है। तो मैं पहले ही कर चुका था और मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। जो यहाँ पर पोर्ट दिए गए हैं 4 वायर्स के लिए, तो ये 4 वायर्स स्टेपर मोटर है, तो मैंने इसको चारों कनेक्ट कर दिया। और ये जो पोर्ट है, यहाँ पर हमें ऑडियो से सिग्नल्स देने होंगे। ओके, और ये जो पोर्ट है छोटा सा, इसमें हमें मोटर के लिए पावर सप्लाई देनी होगी। ये मोटर की रिक्वायरमेंट है, वो 24 वोल्ट रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हम 24 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे इस पावर सप्लाई के थ्रू, जो कि 24 वोल्ट डीसी पावर डिलीवर करता है। ओके, और ये जो स्विचेज हैं, ये हमें कुछ सेटिंग्स करने के लिए होती हैं, कि हमें जिनके लिए आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है, ये पूरा किस तरह से, कितना आपको पल्स रेट चाहिए, कितना स्टेप रेजोल्यूशन चाहिए, या फिर पीक करंट कितना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग हम इन जो स्विचेज दिए रहे हैं आपके, इनके अकॉर्डिंग हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो हमें जितना भी पीक करंट की रिक्वायरमेंट होगी वो हम इस टेबल से देखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अप एंड डाउन करके एडजस्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो स्टेप रेजोल्यूशन है वो कितना चाहिए, वो हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। ओके, और इसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना है हमें, कि जो ऑडियो से कनेक्शन है वो हमें करनी है। तो हम ऑडियो से कनेक्शन क्या करते हैं, कि ये जो है पल्स प्लस पल्स माइनस, यहाँ पर कुछ तरह की पल्स प्लस पल्स माइनस है, सेकंड ऑप्शन में डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन माइनस है। तो पल्स और डायरेक्शन दोनों का जो प्लस है उसको हम 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट करने जा रहा हूँ, ये मैंने 5 वोल्ट पावर सप्लाई लगा रखी है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले पल्स के लिए कनेक्ट किया, और फिर सेकंड में हम तो सेकंड में ये डायरेक्शन के लिए कनेक्ट करने जा रहा हूँ, ये ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वायर है, ये आप 5 वोल्ट डिलीवर कर रही है, ऑडियो से मैंने 5 वोल्ट लिया है, और ये जो दोनों वायर्स हैं ये पल्स प्लस और डायरेक्शन प्लस के दोनों वायर्स हैं। अब जो बचता है नेगेटिव वाला दोनों का, उनको हम ऑडियो की पिन से कनेक्ट करेंगे। तो किस पिन से कनेक्ट करेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं, जो डायरेक्शन है उसको हम पिन नंबर 8 पर कनेक्ट कर देंगे ऑडियो की, और जो पल्स है उसको पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर देंगे। ओके, इस तरह से हमें ये सेटअप बना लिया, पूरा रेडी है सब कुछ। अब क्या करना है हमें, अब कोड हमें रेडी करना है। तो कोड रेडी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपना ऑडिनो खोलेंगे। ओके, इसका कोड मैंने बना के रख रखा है पहले से ही, मैं वर्ड शो कर दूंगा किस तरह से इसको। तो यहाँ पर कोड में सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों पिंस डिफाइन करनी है। यहाँ पर हमारा ये
शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, बट मैं इस कोड को अपलोड करता हूँ जब तक। ओके, इसको मैं समझाने के लिए मैं नीचे फाइल अटैच कर दूंगा, तो वो वहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो मैंने कोड अपलोड कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, रेडी है हमारा पूरा सेटअप। अब मैं पावर ऑन करने जा रहा हूँ। ठीक, ये क्या? ठीक, ये गियर्ड मोटर है, मीन्स इसमें जो गियर यूज है वो प्लेनेटरी गियर्ड यूज है, गियर्स यूज है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो शाफ्ट है इसकी स्पीड देखना और नीचे वाले की देखना। नीचे वाला शायद आपको समझ में ना आए, बट काफ़ी तेज घूम रहा है ये इसके कंपेरिजन। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे गियर्ड के थ्रू इसका टॉर्क बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसकी स्पीड को कम किया गया है। इसमें थोड़ा सा नीचे वाले की स्पीड शो करके दिखाता हूँ। एनीहाउ कुछ अटैच करता हूँ उसमें, तो समझ में आएगा। स्टॉप करता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं इसमें अटैच करूँगा। स्पीड ये जो है बैक शाफ्ट है इसकी स्पीड देखो, और ऊपर की शाफ्ट की स्पीड देखो, दोनों में कितना सारा डिफरेंस है। वो किसकी वजह से? गियर्स की वजह से, गियर जो यूज किए गए हैं। यहाँ पे काफ़ी हाई टॉर्क मिलेगा बट स्पीड कम हो जाएगी, सिमिलरली नीचे आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा NMS 17 का जो प्लेनेटरी गियर्ड मोटर है, उसका मैंने आपको राइनो का जो RMCS 1102 ड्राइवर है स्टेपर मोटर्स के लिए, इसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने शो किया। आई होप कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, और इसका जो कोड है वो मैं इसकी नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो ये पूरा सेटअप है, एक बार हमारा सेटअप पूरा देख लीजिए किस तरह से करना है। यहाँ पे ब्रेडबोर्ड रखा हुआ है, आर्डिनो है, ये एक्सटेंशन बोर्ड है पावर सप्लाई के लिए, और ये 24 वोल्ट पावर सप्लाई है, और यहाँ पर ये आपका स्टेपर मोटर है, ये माउस वगैरह रखा हुआ है, ये आपका ड्राइवर है। इनकी जब सारी ये क्या है कि एक्चुअली ये जो वेबकैम है, मैं वेबकैम से ही यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास कोई कैमरा भी है नहीं, तो मैं ये जो लाइव कर रहा हूँ पूरा वेबकैम से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी मेरी अच्छी नहीं हो सकती है, बट मैं कोशिश करूँगा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, और नहीं समझ में आता तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूरा इसका सर्किट डायग्राम प्लस कोड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, सो थैंक यू फॉर everybody for watching, and if you need any help regarding this, then you can comment below, or you can also mail me. Sorry, I have not given you any email ID, but you can comment below, and you can always ask me. You are free to ask me for the code and circuit diagram and any other problem regarding the operation of this stepper motor with the Rhino driver. So thank you for this watching this, and I'm closing this. So thank you so much. Meet you in the next session.